नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। प्रथमपुरा के ससदेवा पब्लिक स्कूल के सामने पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन। पेरेंट्स ने लगाए नो इनकम नौकरी के नारे। यहां पहुंचे पेरेंट्स ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल ससदेवा स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को मैसेज गया कि उनके बच्चों की यदि पिछले 3 महीनों की फीस जमा नहीं कराई गई तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले 3 महीने से उनके घर में कोई इनकम नहीं हुई है, ना ही बच्चे स्कूल में आए, इसीलिए वे फीस कहां से देंगे। इसीलिए इन 3 महीनों की फीस माफ करने की मांग इन पेरेंट्स से की है। पेरेंट्स ने कहा ऑनलाइन क्लासेस में जो नर्सरी केजी और 5वीं क्लास तक के बच्चे, उन्हें ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता, उनकी ऑनलाइन क्लास ले ली जाए। साथ ही बच्चों के सिर दर्द होना, आंखों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी है तो सिर्फ बड़े बच्चों की शुरू की जाए और इस तरह से इसके लिए अनावश्यक दबाव बढ़ाया जाए। यह मांग करते हुए बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूल के आगे पहुंचे और ससदेवा पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा के सामने प्रदर्शन किया। इसे दिल्ली से राजीव तिवारी की फास्ट रिपोर्ट। देखिए, गाइडलाइंस आपको दे रहा है, क्लासेस दे रहा है और बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैम ने बोला है कि हम इसकी आपको बताएंगे, 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है आना। और जहाँ तक स्कूल की हैरेसमेंट की बात है, स्कूल जो परेशान कर रहा है सभी पेरेंट्स को, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहा है, इन्होंने क्लियरली बोला है कि आज की डेट में हम उनसे बात करेंगे और वी विल मेक श्योर कि आज से स्कूल किसी भी पेरेंट को कोई भी हैरेसमेंट या टॉर्चर का मैसेज नहीं भेजेगा। और इन्होंने कल हमें वापस यहाँ सुबह बुलाया है कि आप सुबह यहाँ 10 बजे आ जाइए और 10 बजे आने के बाद हम आपको बताएंगे। 4 कंप्लेंट हम दे चुके हैं, ये 4th कंप्लेंट है जो हमने आज स्कूल के खिलाफ दी है। इसमें क्लियरली हम बोल रहे हैं कि स्कूल ने 18 अप्रैल का जो DOE का ऑर्डर है वो वॉयलेट किया है। जो ऑर्डर नंबर था PS/DE/2020/55, तो स्कूल के ऊपर DSEAR 1983, DMA 2005 एंड IPC 188 के तहत कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी बिठाई जाए। स्कूल बहुत टाइम से पेरेंट्स को परेशान कर रहा है और पेरेंट्स की वजह से बहुत ही मेंटल हैरेसमेंट और टॉर्चर से गुजर रहे हैं। थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं और फाइनेंशियल पोजीशन भी पेरेंट्स की खराब है, जिसको स्कूल ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी सोचने को तैयार नहीं। सर, लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन आपने स्कूल में दी थी उसको भी मेंशन कर दीजिए। किस बात की फीस ले रहे हैं उसे? नहीं, इनकी जो फीस रख रखाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। प्रिंसिपल ने बोला था की ऑनलाइन क्लासेस की अलग है और फीस का मैटर अलग है, मेरे को ये बोला था इन्होंने। मास्क लगा लो कि ये मैटर अलग है और वो मैटर अलग है, ये मेरे को उन्होंने बोला था मैडम ने कि ऑनलाइन क्लासेस का मैटर अलग है और फीस का अलग है। मैंने कहा नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में ही फीस ले रहे हो, नहीं तो आपको है नहीं। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में ही फीस ले रहे हैं। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में पेरेंट्स का शोषण कर रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान है। हमारी इनसे डिमांड यही है कि जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आ जाती, आप वेट कीजिए, हम भी वेट करेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस जो HRD की गाइडलाइंस है, DOE को हमने बोला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जल्दी से जल्दी, जो कि LKG UKG की 1/2 घंटा, 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक 2 घंटा और 9th से 12th क्लास तक की 4 घंटा। इससे ऊपर किसी भी पेरेंट को बच्चे को नहीं पढ़ाया जाए और अगर स्कूल किसी भी तरह से हमें दोबारा परेशान करेगा, हम उसके खिलाफ फिर से कंप्लेंट देंगे। फिर से चाहे कितनी कंप्लेंट दे दोगे, वो हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरा नाम रश्मि गोयल है और हम यहाँ पे पीतमपुरा नॉर्थ वेस्ट के DOE ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं और हम यहाँ पर आज 3री-4थी बार आए हैं। हम अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी बार बार इन लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल को रिपोर्ट कर रहे हैं। इस भयानक और खतरनाक दौर में हम सारे पेरेंट्स बार बार इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हमें स्कूल बार बार परेशान कर रहा है। पहला पॉइंट कि हमें ये इस टाइम में जहाँ लोगों की इनकम बिल्कुल जीरो है, बिजनेस वालों के बिजनेस नहीं है, नौकरी वालों की नौकरी नहीं है, स्कूल कह रहा है कि हमारा धंधा चलना चाहिए, हमारे लोगों से हम इनकम नहीं कमा रहे हैं, हम कहीं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी हमारे पास सेविंग्स है, फंड्स है, उससे हम अपना घर चलाएं, अपना सर्वाइवल देखें, या फिर हम बच्चों की फीस भरें या फिजूल खर्ची करें। इस महामारी के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सर्वाइवल का है, तभी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था सिर्फ 250 केसेस में कि हमें सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना जरूरी है। अरे काम धंधे छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सर्वाइव करो, अपने आप को बचाओ। बट यहाँ पर तो इनको पैसे चाहिए, स्कूल को पैसे चाहिए और हम अपनी गुहार बार बार स्कूल के सामने, DOE के सामने, यहाँ के सीनियर्स के सामने लगा रहे हैं, बट नोबडी इज रेडी टू लिसन टू अस।
पर ये ऐसा कब तक चलेगा, हम लोग कब तक परेशान। अब ये देखो हम सब लोग अपने काम छोड़कर आ रहे हैं, जो भी है इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम बिल्कुल हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, कि प्लीज पेरेंट्स की बात सुनिए। आप लोग ने हमारे पीएम ने हम लोगों को टैक्स पेयर को थैंक यू बोला था, जो लोग सैलरी पाते हैं इनकी वाइट में इनकम आती है, हमारी तो टैक्स जाता ही जाता है, हमारी वजह से आप लोग जो गरीब लोग हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल कर पा रहे हैं, तो हमारे बारे में कब सोचेंगे। इफ वी आर द टैक्स पेयर तो थिंक अबाउट अस आल्सो, वी आर द मिडिल क्लास। आज आपने कंप्लेन दिया था, उसमें क्या आश्वासन दिया गया है अंदर से? उन्होंने हमारी कंप्लेन ले ली है, बट हमें आश्वासन के तौर पे यही बोला है कि हम स्कूल से बात करेंगे और अब आपके पास ये थ्रेटनिंग मैसेजेस नहीं आएंगे। अब देखते हैं हम सभी पेरेंट्स देव पब्लिक स्कूल पीतमपुरा के सभी पेरेंट्स यहाँ डीओई नॉर्थ वेस्ट बी के जोन 11 के ऑफिस में आज आए हैं। हमारी आज ये फोर्थ कंप्लेंट हमने सबमिट करी है डीओई ऑफिसर्स रीटा गुप्ता जी और तापेश्वर जी को। हमने इस कंप्लेंट में क्लियरली बताया है कि स्कूल हमें पिछले 2 महीने से तरह तरह से हैरेस कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है पेरेंट्स को फीस के लिए और नाम काटने की धमकी दे रहा है, जिससे सभी पेरेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हैरेस फील कर रहे हैं। तो हमारी डीओई से एक गुजारिश है कि स्कूल जो है वो 18 अप्रैल 2020 का जो डीओई का ऑर्डर है एफएन नंबर PSDE 2020/55 इसको क्लियरली वॉयलेट कर रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। तो स्कूल के ऊपर DSEAR 1983, DMA 2005 एंड IPC 188 के तहत स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे कि पेरेंट्स को वो हैरेस करना बंद किया जाए। स्कूल के CAG ऑडिट करवाया जाए 1986 ऑनवर्ड से जब से स्कूल बना है, और स्कूल के ऊपर क्लियरली चेक किया जाए स्कूल के पास कितना एक्सेस सरप्लस फंड है। एक्सेस सरप्लस फंड का ये मतलब होता है कि वो क्राइसिस टाइम में यूज़ होता है, जो हमारे पास अभी आपदा चल रही है इससे ज़्यादा क्राइसिस टाइम ना कभी आया है ना कभी आएगा, तो स्कूल क्यों नहीं उस फंड को यूज़ कर रहा। स्कूल हम पेरेंट्स को क्यों परेशान कर रहा है, क्यों हैरेस कर रहा है। हमारी दिल्ली सरकार से, DOE से, PM से, भारत सरकार से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम मिडिल क्लास पेरेंट्स के बारे में भी सोचा जाए, ताकि हम जो टैक्स भरते हैं हमेशा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझते हैं, एटलीस्ट हमें स्कूल की तरफ से ये परेशानी फेस नहीं करनी पड़े। धन्यवाद। मेरा नाम बीरेन शर्मा है और हम सारे दिल्ली सचदेवा पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स हैं। हम चौथी बार एक साथ एकत्रित हुए हैं, पहले भी हम सचदेवा पब्लिक स्कूल के सामने मिले थे और वहाँ पर हमने सचदेवा पब्लिक स्कूल के सामने आपके माध्यम से कंप्लेंट की थी। आज हम DA ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहाँ पर आज हम उनकी दोबारा से कंप्लेंट देने आए हैं। बार बार स्कूल की थ्रेटनिंग SMS आने के बावजूद ये लोग नहीं माने। आज हमें कल फिर दोबारा उन्होंने एक SMS भेजा है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो हमारे बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात लिखी है कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया हमें। मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस बात का एक्सटेंशन नहीं दे रहे हमें। अगर हम सक्षम होते फीस भरने के तो हम पहले ही फीस भर देते। हमारे रिक्वेस्ट भी पहले यही थी उनसे कि हम फीस भरने में सक्षम नहीं है, तो प्लीज़ हमारी फीस को माफ़ कर दिया जाए। हम DO में कम से कम 4 बार कंप्लेंट दे चुके हैं, एक बार भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आज हम लास्ट टाइम आए हैं कंप्लेंट देने के लिए उनको, ताकि हमारी सुनवाई हो जाए। ये सारे पेरेंट्स परेशान होकर यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि कम से कम स्कूल नहीं तो हमारे DO सुन ले। और हमारी रिक्वेस्ट DO ऑफिस से यही है कि हमारे 3 पॉइंट हैं, मेजरली 3 पॉइंट हैं जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है फीस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ हम फीस भरने में, आप भी जानते हैं कोविड चल रहा है, आप भी जानते हैं लोगों के पास काम नहीं है, उसके बावजूद लोग स्कूल हमें बार बार SMS डालता है फीस के लिए, थ्रेटनिंग करता है पेरेंट्स को, परेशान करता है, मेंटली टॉर्चर करता है ताकि वो फीस भर दें। लेकिन हम स्कूल से बार बार लड़ाई कर रहे हैं कि हम फीस भरने में सक्षम नहीं है। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, UKG के बच्चे से लेकर 5th के जो बच्चा है उसकी ऑनलाइन क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, छोटा बच्चा जिसको फ़ोन पकड़ना तक नहीं आता है वो ऑनलाइन क्लासेस में अपना एग्ज़ाम भी दे रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस में अपने बारे में बता भी रहा है, पढ़ भी रहा है, और एक्चुअली पढ़ वो नहीं रहा है पर पढ़ पेरेंट्स रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा तो कुछ कर नहीं पाता लेकिन सारा काम पेरेंट्स को करना पड़ता है, तो डबल बर्डन हो गया। और हेल्थ सबसे बड़ा हेल्थ इशू है, उनकी आँखों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है बच्चों की, जिनको चश्मे नहीं लग रहे उनको भी चश्मे लगते जा रहे हैं, बच्चों के कान ईयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, हर रोज़ हमें डर लगता है कि कहीं कान में प्रॉब्लम ना आ जाए बच्चे के। तीसरा सबसे बड़ा इशू यह है कि क्लासेस का जो DOE ने जो हमें ऑर्डर दिया था कि 30 मिनट की क्लासेस होंगी, लेकिन अब वो बढ़कर 45 मिनट की क्लासेस अभी तक चल रही हैं, तो मतलब 2.5-2.5 घंटे क्लासेस होती हैं बच्चे की। तो वो हम उसके बारे में बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ ये 2.5 घंटे की क्लासेस नहीं होनी चाहिए। और सबसे थर्ड पॉइंट, जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा, कल
कल एक और न्यूज आई है कि स्कूल रीओपन होने की कगार पे आ गया है। स्कूल ये प्लान कर रहा है कि वो रीओपन हो जाए। मैं सिर्फ दिल्ली सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी विधानसभा खोलिए, अपने बच्चों को सोशल गैदरिंग में भेजिए, वहां जाकर उनको बोलिए कि आप लोग जाएं, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो हमारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे। हमारे बच्चे टेस्टिंग किट नहीं है कि जाकर वहां पे स्कूल में जाएं और टेस्टिंग करें कि आज मेरे बच्चों को कोरोना हुआ या नहीं हुआ है। तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। आप सोचिए 39,000 केसेस एवरी डे इंडिया में आते हैं और आप उसके बाद हमारे बच्चों को स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, ये लॉजिकल नहीं है। हमारे 3 पॉइंट में प्लीज़ कार्रवाई हो। आज हम आए हैं, हम तापेश्वर जी से मिले हैं, हम रीटा गुप्ता जी से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज हमारी यह सुनवाई है, कल हमें इसका 100% वो कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर देंगे। तो एक हफ्ता पहले भी आपने एक चीज को मुद्दा उठाया था, तो इसमें क्या रहा? हमने लास्ट टाइम जो मुद्दा उठाया था तो हम दोबारा से डी ऑफिस में आए थे और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम सिर्फ आते हैं, ये एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। आज फिर हम एक और एप्लीकेशन लेके आए और फिर हमने एक और एप्लीकेशन दे दी है और मुझे पूरा यकीन है कि कोई सुनवाई नहीं होगी। आज इन्होंने आश्वासन ये दिया कि लास्ट टाइम आप आए हैं, कल हम आपको पॉजिटिवली आंसर देंगे और कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे ताकि आप लोगों को स्कूल के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि हम काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम सारे पेरेंट्स मिलकर, हम बहुत परेशान हैं और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्लान है कि इस ऑफिस के सामने बैठेंगे सारे के सारे लोग और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यहाँ टेंट लगाना पड़ जाए, कटोरा लेना पड़ जाए, लेकिन हमारे सब लोग आगे दोबारा बैठेंगे यहाँ पे। हम यहाँ अभी हम DOE के जोनल ऑफिस अभी